हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू मिस्टर टेक्निकल यूट्यूब चैनल। और व्यूअर्स, इस वीडियो में मेरे पास है एक ओल्ड जेनरेशन का लाइट। और गाइस, इसके अंदर कैसा सेटअप होता है मैं इस वीडियो में वो दिखाऊंगा। और गाइस, मेरे पास एक नए जेनरेशन का एलईडी लाइट है। और गाइस, उसके अंदर भी कैसे सेटअप होता है आप अगर चाहे तो उस वीडियो को मैं ला सकता हूँ। और गाइस, इस वीडियो में एक कॉमेंट कर देना आप देखना चाहते हैं वो वीडियो को, तो इस वाले के वीडियो के बाद मैं वो वीडियो दे दूँगा। ओके गाइस, तो गाइस चलिए इस वीडियो का देख लेते हैं इसके अंदर कैसे कनेक्शन करा है। तो गाइस चलिए। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नट लगी हुई है। तो गाइस पहले इसको हम खोल लेंगे। तो गाइस चलिए खोल लेते हैं। तो गाइस हमने ये पहला जो स्क्रू लगा है उसका मैंने खोल लिया है। देख सकते हैं ये भी पुराना जनरेशन का है। ओके, तो इसके अंदर क्या है वो भी हम खोल लेंगे। तो गाइस चलिए खोल लेते हैं। तो गाइस इसको कवर का हम खोल लेंगे। और गाइस यहाँ पर कनेक्शन आप देख सकते हैं किस तरह से कनेक्शन किया है। तो गाइस यहाँ पर जो कनेक्शन किया है वो भी पुराना तरीके से, देख सकते हैं किस तरह से कनेक्शन किया गया था। और गाइस इसके अंदर किस तरह के लाइट है वो भी हम इसको खोल के दिखाएंगे। ओके, तो गाइस देख सकते हैं, तो गाइस देख सकते हैं इस तरह का एक लाइट है यहाँ पर। और गाइस इसको भी हम खोल लेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से का है और यहाँ पर भी एक इस तरह का लगा है। ओके गाइस, और गाइस इसके अंदर क्या क्या है वो हम दिखाएंगे। ओके, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुश स्विच लगी है। ओके गाइस, और इसके अंदर इसका बैटरी है। ओके, बैटरी आप देख सकते हैं किस तरह से कनेक्शन बैटरी का किया गया है। यहाँ पर भी एक वही सेम तरीके से जिस तरह से एलईडी में कनेक्शन किया गया था, सॉरी एलईडी नहीं, जो लाइट है इसमें लगा था उस पर जो कनेक्शन किया गया था उसी तरीके से कनेक्शन यहाँ पर भी किया गया है। ओके, तो इसको भी हम खोल लेंगे। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो बैटरी का कंपनी है वो पैनासोनिक का है। और गाइस यहाँ पर जो बैटरी लगी है उसका जो वोल्ट है वो 1.7 वोल्ट का है। देख सकते हैं आप यहाँ पर, मैंने इसको उल्टी पकड़ा है, 1.7 वोल्ट का। और कितना इमेज दिखाई नहीं दे रहा। तो गाइस वीडियो को पोस्ट करके रुक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। और गाइस और एक बैटरी का कवर भी निकल गया है, जो इसके अंदर पैकिंग होता है वो भी इसका निकल गया है। कितना पुराना है आप देख सकते हैं गाइस। तो गाइस हमारे चैनल पे इस तरह का वीडियो आपको मिलती रहेगा। और गाइस इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना हमारे हर नए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं और एक बैटरी का सेल लगी हुई है। ओके गाइस, यहाँ पर सभी सभी मिला के 8 बैटरी यहाँ पर लगी है। और गाइस सभी बैटरी पैनासोनिक कंपनी का है। और गाइस इसमें इस पे किन कौन सी बैटरी अच्छी है, कौन सी बैटरी खराब है मैं एक और एक वीडियो में दिखा दूंगा। ओके, तो गाइस इसको रखते हैं साइड में। और इसको बैटरी का कवर भी हम देख लेते हैं। इस तरह से दो सेल यहाँ पर लगता है, बैटरी का कॉम्बिनेशन कहते हैं वही भी। और गाइस बैटरी का कॉम्बिनेशन, जो बैटरी सेल लगी हुई है उसका हम खोल लिया है। और गाइस उसके अंदर कुछ इस तरह का सपोर्ट है। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग कॉर्ड लगी है। और गाइस इसमें चार्जिंग जो लगता है, जो हमारे हेडफोन के कॉर्ड होता है ना, 3.7 mm का कॉर्ड है, उस तरह से कि कॉर्ड यहाँ पर चार्जिंग के लगता है। बहुत ही पुराना जेनरेशन का है इसलिए इस तरह का चार्जिंग का कॉर्ड यहाँ पर यूज़ होता है। ओके गाइस, और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं जो एलईडी जलाने के लिए एक स्विच लगी है, इसको भी वायर को हम कट लेंगे। और गाइस इसको भी हम यहाँ पर खोल लेंगे, खोल के दिखाएंगे। ठीक है, तो भैया मैंने जो इंटेक्स का हेडफोन रिपेयर करा हुआ था उस वाले वीडियो ने मेरे एक भैया कमेंट किया था कि गाइस हमारे एक लेफ्ट साइड में
जो हेडफोन है उसमें आवाज़ साउंड आती है और एक साइड में साउंड नहीं आती है। तो गाइस इसका आपका हेडफोन जो स्पीकर है वो भी ख़राब होता है। और गाइस जो कनेक्शन जिसमें हम करते हैं दो दो कॉट है उसमें, ओके जी, जिस एक कॉट आप कंप्यूटर में जो ऊपर घुस सकते हो वहाँ पर भी ख़राबी हो सकती है, और एक कॉट हेडफोन में भी जो इससे वॉल्यूम बढ़ती है बढ़ाता है कमाता है उसमें भी ख़राबी हो सकती है, देख लेना आप। जिसपे आप साउंड बढ़ाते और कुमा डाउन करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम होता हो सकता है। और जहाँ पर आप जो वायर इस्तेमाल करते हो वहाँ पर भी कनेक्शन लूज़ हो सकता है, तो सभी को चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके गाइस बाय, टेक केयर।